हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। तो आज मैं अपने घर से बाहर निकला हुआ था, लेकिन साथ में इस बार मैं अपने ये फोल्डिंग बोर्ड और कैमरा लेकर के आया हूँ, जिससे अब के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। बाहर निकलना मजबूरी था बेटा। मैं इस समय लखनऊ आया हुआ हूँ और ये यहाँ पर एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ लोग रह रहे हैं, काफ़ी साफ़ सफाई है। तो मेरा मन किया कि आज सर्दियों की धूप में बाहर खड़े होकर के आपके लिए एक बढ़िया सा मस्त टाइप का वीडियो यहाँ पर बनाया जाए। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ, कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में आपको मैं यहाँ बताऊँगा और इसकी मैं आज स्टार्टिंग यहाँ पर बच्चों करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये एक अलग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड करा दूँगा और आप यहाँ पर बढ़िया बढ़िया वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर ये आगे के वीडियो मैं बनाऊँगा। तो बच्चों, काफ़ी साफ़ सफाई है, थोड़ी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ आसपास की। यहाँ मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ और ये आसपास की लोकेशन है, यही मेरी पास में गाड़ी खड़ी हुई है और कोई टेंशन वाली बात बच्चों यहाँ नहीं है, काफ़ी अच्छा है। बीच बीच में एक दो बंदर वगैरह आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब कोई बंदर आएगा तो। चलिए बेटा, हम लोग आज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग यहाँ से आज करने बच्चों जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसके पहले भी मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एनालिटिक फंक्शन है, ये टॉपिक मैं यहाँ पर बच्चों आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके भी लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक और इसके पहले एनालिटिक फंक्शन का लिंक मैं बच्चों आपको प्रोवाइड करा दूँगा वीडियो में। आज हम लोग यहाँ पर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, बाकी सारे वीडियो तो मैं अपने घर में बोर्ड के सामने ही बनाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है। कोई बात नहीं, बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन बेटा आपको नहीं पालनी है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या बच्चों इसको कई बार हम लोग फंक्शन या कई बार इसको मैपिंग भी बोलते हैं, और ये फंक्शन वर्ड जो है आपके लिए कोई बच्चों नया नहीं है, है ना। इसको हम लोग कई बार फंक्शन भी कहते हैं, है ना, फंक्शन। तो फंक्शन बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्स और वाई वाले फंक्शन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि फंक्शन हम लोग जब कैलकुलस में वन वेरिएबल में पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स प्लस वन, या फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसमें क्या होता बच्चों, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई की वैल्यू मिलती है। इसमें कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि हर एक एक्स के लिए, कोई भी एक्स ऐसा ना हो जिसके लिए दो वाई आए, है ना, हर एक एक्स के लिए सिंगल वाई मिलना चाहिए। मतलब वन एक्स के करस्पॉन्डिंग अगर आपको दो वाई की वैल्यू मिल गई हो, फॉर एग्जांपल एक एक्स के करस्पॉन्डिंग अगर आपको वाई वन वाई टू दो वैल्यूज मिल गई, तो फिर इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहते। एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, ये बेटा इसकी अपनी कुछ कंडीशन होती है जो आपको मालूम है। एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, एक से ज़्यादा वाई एक एक्स के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन बेटा इस फंक्शन में भी होती है। देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं w इक्वल टू फॉर एग्जांपल f ऑफ z, यहाँ पर जो फंक्शन होता है, जो कि मैंने आपको बाइलिनियर में भी समझाया था, यहाँ पर फंक्शन w और f z के टर्म में हमेशा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर y और fx होता है, यहाँ पर w या ओमेगा भी कहते हैं और f z, मतलब z यहाँ पर वेरिएबल है और w यानी कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। जैसे यहाँ पर x को पुट करने से हमको y की वैल्यू मिला करती है, सेम मेथड से जब यहाँ पर हम z को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर ओमेगा मिलेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, एक z के लिए एक ही ओमेगा होना चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ y स्क्वायर इक्वल टू x फॉर एग्जांपल, और अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट x। अब देखो क्या हुआ, x की कोई भी एक वैल्यू रखोगे तो आपको y की दो दो वैल्यू मिल जाएंगी, तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। मतलब अगर हम x इक्वल टू 4 ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, तो अब ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेम यहाँ पर भी है कि z की हर एक वैल्यू के लिए आपको ओमेगा की केवल और केवल एक वैल्यू मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर मिलती है तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू z,
तो अगर मैं ओमेगा निकालूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट जेड, तो यहाँ पर भी ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो दोनों में हम यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बैठाएंगे, है ना, दोनों में सिमिलरिटीज ढूंढेंगे, जिससे कि पुरानी बातें और नई बातें याद रखने में हमें आसानी रहे। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई होता है, वैसे यहाँ पर जेड और ओमेगा होता है, या जेड और डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर फंक्शन में ये होती थी कि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं आने चाहिए, है ना, हर एक एक्स के लिए फॉर एवरी एक्स वी मस्ट गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई, हर एक एक्स के लिए हमें केवल और केवल एक वाई मिलना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर हर एक जेड के लिए एक ओमेगा या एक डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी देखो बच्चों, यहाँ पर कंडीशन ये होती थी एक्स वाई वाले फंक्शन में, अगर आपको याद हो तो, कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई मिलना चाहिए। जैसे कि क्या होता था, आपको याद होगा कि मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए आपने लिखा कि एफ फ्रॉम एन टू आर, और एफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, मान लो आपने ऐसे लिखा, तो इसमें क्या होगा, एक्स बराबर टू रखने पर आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, है ना, इसका डोमेन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से नेचुरल नंबर से आएगी, है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है, जहाँ से एक्स की वैल्यू आती है। तो अब देखो, जैसे कि अगर हम एक्स इक्वल टू टू यहाँ पर रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स इक्वल टू टू रखने पर वाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, एक्स बराबर टू रखने पर वाई इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब तो फिर ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसका डोमेन जो है उसके हर पॉइंट पर आपको एक्स नहीं मिल रहा। फंक्शन तभी होता है, सॉरी, डोमेन के हर पॉइंट पर आपको वाई मिलना चाहिए। अगर डोमेन में एक भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको वाई नहीं मिल रहा, तो फिर वो फंक्शन नहीं होता है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर भी है, हाँ, अगर मैं डोमेन चेंज कर दूं तो ये फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसका डोमेन ले लूं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका डोमेन यहाँ पर ले लूं कि एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल फॉर एग्जांपल 3 to ∞, अब देखो मैंने इसका डोमेन चेंज कर दिया, अगर मैंने इसका डोमेन चेंज कर दिया है तो अब देखो ये फंक्शन होगा, है ना, क्योंकि अब मुझे जो एक्स की वैल्यू है वो 3 या 3 से ज़्यादा लेनी है, तो ये फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हर एक्स के लिए आपको वाई मिल रहा है, और ये क्या है, रियल नंबर, ये क्या है हमारा, कोडोमेन। इसका काम क्या है, कोडोमेन है, ये है यहाँ पर रियल नंबर, मतलब जो वाई मिलना चाहिए वो कोडोमेन के अंदर आना चाहिए, कोडोमेन के बाहर कोई वाई नहीं जाना चाहिए। वही बात बिल्कुल यहाँ पर भी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक फंक्शन लिया, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ओमेगा इक्वल टू 2 + z / z - 1, मान लो आपने एक फंक्शन लिया और आपने कह दिया कि जो हमारा डोमेन है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, है ना, आपने कह दिया, मान लो हमारा जो डोमेन है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो अगर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका डोमेन हुआ तो जेड इक्वल टू 1 भी इसमें आएगा, है ना, जेड इक्वल टू 1 भी आएगा, तो फिर ये यहाँ पर फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। हाँ, अगर मैं जेड इक्वल टू 1 को हटा दूँ और ये मैं कहूँ कि मेरा डोमेन जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 के अलावा, तो फिर ये फंक्शन बन जाएगा, है ना, मतलब जेड की हर पॉइंट पर ओमेगा निकलना चाहिए। देखो, तो जो दो कंडीशन वहाँ पर थी फंक्शन के डिफाइन होने के लिए, एक्स और वाई वाली कंडीशन, एग्जैक्टली वो दोनों कंडीशन यहाँ पर भी हैं डब्ल्यू और जेड के लिए। ये बात को जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो, आगे हम लोग देखें, जैसे क्या होता है, अब अगर ग्राफ बनाने की बात आती है तो ग्राफ बनाने में बच्चों देखो क्या होता है, जैसे जब हम x और y वाले फंक्शन पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने पढ़ा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम तुरंत इसका एक ग्राफ बना देते हैं ऐसे कर। ये क्या होता है, ओपनिंग अप पैराबोला, आप जानते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, हम ऐसा ग्राफ यहाँ बना देते हैं, तुरंत एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों के ग्राफ बन जाते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन जब हम लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा ओमेगा इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, मान लो मैंने ये एक फंक्शन यहाँ पर लिखा, है ना, ओमेगा को मैं एफ जेड भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो बच्चों क्या होता है, जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर ग्राफ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनते, यहाँ पर जो हमारे ग्राफ होते हैं ना उसके लिए हमें दो दो प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। देखो, एक हमें चाहिए होता है जेड प्लेन, एक हमें चाहिए होता है यहाँ पर जेड प्लेन, और एक हमें चाहिए होता है यहाँ पर ओमेगा प्लेन। इस बात को ज़रा यहाँ पर समझिए, जेड प्लेन में भी रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस होते हैं, ओमेगा प्लेन में भी क्या होता है, रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस होते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं ना, हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसमें एक होता है रियल एक्सिस, एक होता है इमेजनरी एक्सिस, है ना। तो ये जेड प्लेन है, ये ओमेगा प्लेन है, जेड की एक वैल्यू लेंगे तो करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि मान लो
अगर मैंने z इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मान लिया यहाँ पर z की वैल्यू को लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस आयोटा, ठीक, और z की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा और प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मतलब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 0 आयोटा, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पर z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा ली, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, 1, तो वैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3, 0। तो मतलब अगर मैं z का एक पॉइंट लेता हूँ 2, 1 यहाँ पर, तो करस्पॉन्डिंग जो मुझे ओमेगा मिलेगा वो मिलेगा देखो 3, 0, है ना, रियल लाइन पे, है ना। तो हर एक z जो आप यहाँ पर लेते हो आपको ओमेगा यहाँ पर मिलेगा। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर हमें दो प्लेन की हेल्प लेनी पड़ती है, दो प्लेन की। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर मिला। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्या आप इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अब देखो होता क्या है, जैसे जब हम जेड को यहाँ पर मानते हैं, जनरली जेड को हम यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई मानते हैं, है ना, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स और वाई में आता है जेड। जो ओमेगा हम लेते हैं वो यहाँ पर यू प्लस आई वी लेते हैं, ध्यान दो। मतलब जैसे z में हम रियल पार्ट x लेते हैं और इमेजरी पार्ट y लेते हैं, ओमेगा में क्या करते हैं, रियल पार्ट u लेते हैं और इमेजरी पार्ट हम लोग यहाँ पर v लेते हैं जनरली। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक्स वाई में कोई भी ग्राफ यहाँ ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग यू वी में आपको दूसरा ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, बस समझे। जैसे कि अगर मान लो आप एक्स वाई में कोई भी ग्राफ यहाँ पर ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग आपको यू वी में दूसरा ग्राफ यहाँ पर मिलेगा। जैसे एक पॉइंट लिया तो पॉइंट मिलेगा, जैसे कि मान लो आपने कोई ग्राफ यहाँ पर लिया, है ना, तो आपको करस्पॉन्डिंग दूसरा ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग प्लेन लेकर के हम अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा और ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर ग्राफ मिलेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस गाड़ियों वाड़ियों का हो रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है, इसी में मज़ा है। अगर बिल्कुल सुनसान जगह पढ़ने बैठ जाएंगे, क्योंकि इंसानों को इंसानों के बीच ही मज़ा आता है, ये सोशल होते हैं ना इंसान लोग, अगर आप बिल्कुल ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई आवाज़ शोर शराबा ना हो तो ऐसा क्या फ़ायदा, फिर वो तो एक ही जगह होती है, आप जानते हैं, वहाँ नहीं जाना है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस शोर शराबा रहेगा, उसी में पढ़ने का मज़ा भी है। टेंशन नहीं पालो, अपने आप को कंसंट्रेट करो, डिस्टर्ब तो बड़ा दुनिया करती है हमको, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं पालना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब बात ये आई कि आखिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाए। भाई ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन या मैपिंग ये सब एक ही बातें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, फंक्शन कह लो या मैपिंग कह लो, ये सब की सब एक ही बातें हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अब बात ये आई कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहेंगे, ये बात देखो बच्चों यहाँ पर सामने आई, जरा इसको लिख लो ध्यान से, एक सेकेंड में देखो बच्चों, अब हम जरा ये समझेंगे आखिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले एक छोटा टर्म और समझ लें, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम कहते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, समझ रहे हो ना स्पेलिंग तुम लोग, बोलो, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसमें क्या खास बात होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक z प्लेन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने यहाँ पर ओमेगा प्लेन लिया, दो प्लेन लिए, आपने फंक्शन क्या लिया, आपने फंक्शन लिया ओमेगा इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये आपने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिया। अब देखो क्या होता है, जैसे कि अगर आप जेड में दो ग्राफ लें, मान लीजिए आपने जेड में एक ग्राफ लिया फॉर एग्जांपल सी वन और एक ग्राफ आपने लिया सी टू, है ना, मान लीजिए जेड में आपने दो ग्राफ लिए, दो फंक्शन लिए जेड में, तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन आपको ओमेगा में मिलेंगे, क्योंकि जब आप z की वैल्यू रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, है ना। जैसे z में अगर आपने C1, C2 दो कर्व लिए तो करस्पॉन्डिंग आपको ओमेगा में भी दो कर्व मिलेंगे,
मान लीजिए ओमेगा में जो कर्व मिले वो C1- मिले और C2- मिले, फॉर एग्जाम्पल मतलब C1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आपको C1- मिला ओमेगा में और C2 के करस्पॉन्डिंग आपको जो ग्राफ मिला वो C2- मिला। देखो अगर इन दोनों के बीच का एंगल सेम आए, अगर C1 C2 जो आपने दो ग्राफ लिए हैं जेड प्लेन में, कोई भी दो ग्राफ हो सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग आपको C1- C2- दो ग्राफ मिले हैं ओमेगा प्लेन में, अगर इन दोनों के बीच का एंगल सेम आए तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोगोनल कहा जाता। मतलब इस प्रकार के फंक्शन को, क्योंकि देखो ये फंक्शन ही तो है जो C1 और C2 की वैल्यू आपको देगा भाई। जब आप C1 रखोगे तो C1- मिलेगा, अभी बताएंगे कैसे मिलेगा, ये सब आपको भी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं पालनी, सब होगा अच्छे से होगा, ये मैं आपको भी एग्जांपल देके बढ़िया समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं पालना है, ठीक है ना। तो C1 के करस्पॉन्डिंग आपको C1- मिलेगा, C2 करस्पॉन्डिंग आपको C2- मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस फंक्शन की हेल्प से मिलेगा। जब आप जेड की वैल्यू रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक बात है। देखो ध्यान दो, अब अगर इनके बीच का एंगल सेम है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बस समझ गए, बहुत इजी है, कोई यहाँ पर परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, कोई ये नहीं पूछेगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमको मालूम होना चाहिए। अब वो जमाने गए 9-10 की जब लोग मैथ्स को अंग्रेजी में बदल दिया करते थे कि राइट द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आजकल यही हो रहा है, मैथ्स नहीं सिखाई जा रही, उसको अंग्रेजी में चेंज किया जा रहा हर जगह। तो अब वो जमाना चला गया, अब तुम बड़े हो गए, अब यहाँ पर कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मतलब समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में, ठीक है ना। तो आइसोगोनल का मतलब अगर हम C1 C2 दो ग्राफ लें जेड प्लेन में तो करस्पॉन्डिंग C1- C2- दो ग्राफ मिलेंगे ओमेगा प्लेन में और उनके बीच का एंगल क्या होगा? सेम होगा, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान दो, कन्फॉर्मल क्या होता है? बस थोड़ा सा देखो फर्क है, कन्फॉर्मल में देखो क्या होता है, देखो कन्फॉर्मल में क्या होता है, जो एंगल है उसका सेंस भी सेम होना चाहिए। मतलब एंगल तो सेम होना ही चाहिए, एंगल का सेंस भी, जैसे कि मान लो C1 से C2 की तरफ ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर C1- से C2- की तरफ, मतलब एंगल का जो सेंस है उसका जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है वो भी यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो अगर एंगल सेम के साथ साथ एंगल का सेंस भी सेम है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बात समझ में आई? क्या हो गई डेफिनेशन? डेफिनेशन ये हो गई, इफ़ वी टेक टू कप C1 एंड C2 एंड जेड प्लेन देन वी गेट करस्पॉन्डिंग कप C1- एंड C2- इन ओमेगा प्लेन, एंड इफ एंगल एज वेल एज देयर सेंस, ठीक है, बिटवीन C1 एंड C2 है ना, एंड बिटवीन C1- एंड C2- बोथ आर सेम, एंगल भी सेम है C1 C2 और C1- C2- के बीच का और उसका सेंस ऑफ रोटेशन भी दोनों का सेम है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यही तो वो गुल खिला रहा है, इसी की वजह से तो हमें C1 से C1- मिला और C2 से C2- मिला, बोलो भाई। तो इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब दूसरा मुद्दा ये आया कि भाई हम किसी फंक्शन को देखते ही कैसे पहचानेंगे कि ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, बोलो भाई। ये तो तब मालूम चलेगा ना, ग्राफ वराफ बनाया जाएगा कि C1 दिया जाए, C2 दिया जाए, करस्पॉन्डिंग C1- C2- निकाला जाए, है ना। ये C1- C2- कैसे निकलेगा अभी मैं तुम्हें विद एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं पालनी, सब समझ में आएगा, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, क्या होगा बच्चों कि देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा था कि हाँ एंगल भी सेम है और एंगल का सेंस भी सेम है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, हाँ ये कैसे पहचाना जाए इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते ही कि भाई ये कन्फॉर्मल है कि नहीं है? तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, देखो ध्यान दो थ्योरम क्या है, उससे हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे, समझो ध्यान से, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटा। देखो बच्चों एक थ्योरम है, देखो
को। थ्योरम बच्चों क्या कहती है, कहती है मान लो ओमेगा एक फंक्शन है डी से लेकर के डी वन से लेकर डी टू तक। ये डी वन इसकी डोमेन है और डी टू क्या है, कोडोमेन। मतलब हमने क्या किया, समझो जेड प्लेन में डी वन लिया, डी वन एक डोमेन लिया है ना, डी वन, डी वन का मतलब जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, और ओमेगा प्लेन में मैंने क्या लिया, डी टू लिया। ओमेगा प्लेन में मैंने क्या लिया, डी टू लिया है ना। मतलब डी वन का मतलब जेड की वैल्यू हम इस प्लेन में कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, और डी टू का मतलब ओमेगा प्लेन में हम है ना ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगी। तो मान लीजिए डी वन से डी टू, अच्छा डी टू क्या है, डी टू होता है कोडोमेन, नॉट रेंज, रेंज नहीं, क्या होता है, कोडोमेन है ना। जैसे कि मान लो आपने एक फंक्शन लिया वाई बराबर एक्स स्क्वायर और फंक्शन लिया आर से आर, समझो। तो अब ये तो इसका कोडोमेन है, लेकिन जो इसका रेंज होगा, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, वो पॉजिटिव होगा। मतलब इसका जो रेंज आएगा, रेंज क्या आएगा, देखो जीरो टू इन्फिनिटी आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी, सॉरी जो वाई की वैल्यू आएगी वो जीरो या जीरो से ज़्यादा आएगी। तो ये इसका रेंज हो गया, मतलब ये हमारा वाई हो गया। और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। तो मतलब जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है, ये बात मैंने पहले भी कई बार आपको बताई है, रेंज क्या होता है, ये होता है कोडोमेन का सबसेट। सबसेट का मतलब स्पेशल केस में वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, सबसेट का मतलब हमेशा छोटा ही नहीं होता है, सबसेट का मतलब कई बार वो बराबर भी हो सकता है, बस समझे ना। तो रेंज कोडोमेन से छोटा होगा या बराबर होगा हमेशा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर देखो कोडोमेन तो आर है, कोडोमेन तो आर है ना, ये हमारा क्या है बच्चों, कोडोमेन, कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है, लेकिन जो इसका रेंज है वो केवल पॉजिटिव है। हाँ, डोमेन का मतलब एक्स की सारी वैल्यू, मतलब एक्स जो है वो सारे रियल नंबर लेना चाहिए, लेकिन वाई का मतलब रेंज, और वाई का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोडोमेन की सारी वैल्यूज लेगा, कोडोमेन के अंदर आएगा। वाई का मतलब रेंज, और रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर आएगा या बराबर भी स्पेशल केस में हो सकता है, लेकिन एक्स का मतलब डोमेन, और डोमेन रियल नंबर जो यहाँ दिया गया उसकी सारी वैल्यूज लेगा। अगर एक्स ने एक भी वैल्यू इसकी छोड़ी तो फिर वो फंक्शन नहीं रहता, यही तो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है ना, ध्यान दो। तो वैसे ही मान लो ये डी वन से डी टू तक हमने ओमेगा एक फंक्शन लिया है, और मान लीजिए ओमेगा जो फंक्शन है ये हमारा एफ जेड है, एफ जेड है ना। अब देखो ध्यान दो, इस फंक्शन को देखते ही कैसे मालूम करेंगे कि ये कन्फॉर्मल है कि नहीं, तो देखो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इस पूरे डी वन डोमेन में जो हमारा फंक्शन है ये एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशियबल होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन की एक अलग प्लेलिस्ट है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़ लीजिए डिटेल से, ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये इसके बाद कि अपना क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक फंक्शन ये दोनों एक ही प्लेलिस्ट में है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एनालिटिक फंक्शन दोनों एक ही प्लेलिस्ट में है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की अलग प्लेलिस्ट चलेगी जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, मौज करिए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी मेटा अलग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, देखो ध्यान दो। तो ये कहता है कि अगर अगर जो हमारा एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक, अगर एफ जेड एनालिटिक है ना, इन एनालिटिक है, एंड एफ डैश जेड नॉन जीरो है इन डी वन, डी वन डोमेन में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे जो हमारा एफ जेड फंक्शन है ये कैसा है, ये हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस समझो। अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक मतलब काफ़ी हद तक वो डिफरेंशिएबल ही होता है, अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, मतलब डी वन मतलब जेड की किसी भी वैल्यू पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ मैं आपको आगे चल के करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको थ्योरम बताया जिससे हम झट से अपने फंक्शन को पहचान लेंगे कि यार हमारा जो फंक्शन है ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो बड़ा आसान है कि फंक्शन पूरे डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए और वो किसी भी पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान दो, समझो, जैसे कि हम लोग जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे बच्चों, वो भी क्या था, वो भी एक प्रकार का हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है
सॉरी कि मैंने आपको उसे अलग से पढ़ा दिया, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बेटा होता है वो भी एक प्रकार का कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखो ये मेरा जो कैमरा है इसकी बेटा बैटरी डाउन होने वाली है, हो सकता किसी भी क्षण ये वीडियो कट जाए, कट जाएगा तो बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में आएगा, टेंशन नहीं पालना तुम, ठीक है ना। ये इसकी बैटरी ख़त्म हो रही धीरे धीरे करके। अच्छा ऐसा करते हैं इसको यहीं रोक देते हैं, चलो इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं, बाकी बचा पार्ट कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के मैं अगले वीडियो में जो आएगा उसमें बेटा मैं इसको अपलोड करूँगा। इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली है, किसी भी टाइम ये कैमरा धोखा दे सकता है। एक्चुअली यहाँ मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, तो वैसे तो मैं घर में जब होता हूँ तो कैमरे की चार्जिंग साथ में लगा देता हूँ, चार्ज होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में हूँ और कहीं बिजली बिजली का कोई तरीका यहाँ नहीं है, तो मुझे घर जा कर के है ना बता रहा है कि 2 या 3 मिनट बाकी रह गए हैं मुश्किल, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कंडीशन पढ़ी, अब हम इस कंडीशन को लेकर के बहुत से फंक्शन जो कि हमारे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनको हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना काफ़ी है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा और उसमें आपको बाकी चीज़ें मिलेगी, टेंशन नहीं पालना, सब कुछ समझ में आएगा। बस प्ले लिस्ट पर जाकर के, प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दिया है, सारे वीडियो आपको पढ़ने, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।